हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार महाभारत खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कलयुग में आने वाले कुछ दोषों का वर्णन कीजिए आप। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में आने वाले सबसे मेन दोष 5 प्रकार के होंगे। तो भगवान से इस दोष के बारे में चर्चा करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप इसके बारे में हमें खुल के बताएं। तो भगवान कहते हैं आप 5 पांडवों को वन में जाना पड़ेगा, और वन में आप जाएंगे जो जो आप वहाँ दुर्घटनाएं देखेंगे उसका आकर आपको मुझे पूरा एडिटिव वर्णन करना है। तो युधिष्ठिर महाराज और 5ों पांडव जाते हैं वन में। तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि वन में एक हाथी होती है जिसका 2 सूंड होता है। तो वो आकर भगवान कृष्ण को बताते हैं। तो भगवान कृष्ण इसका उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि ये जो 2 सूंड वाली हाथी है ये कलयुग के नेता लोग हैं। जो कलयुग में नेता बनेंगे वो ऐसे होंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। फिर उसके बाद आता है भीम। तो भीम बताते हैं कि मैं वन में एक गाय को देखा जो अपने पुत्र जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी, चाटते चाटते उसके जो बछड़ा था उससे शरीर से ब्लड आ रहा था किंतु फिर भी वो चाटी जा रही थी। तो हम देखते हैं कि वो इतना आसक्त है अपने बछड़े के प्रति। इसी प्रकार इस कलयुग के लोग भी अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही आसक्त होंगे, किंतु वह दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे का पुत्र साधु बना है तो उससे मिलने जाएंगे, किंतु खुद का पुत्र अगर साधु बन जाए तो बहुत ही चिंतित होंगे कि इसका जीवन कैसा होगा, आगे भविष्य कैसा रहेगा, इसके बारे में सोचेंगे। और किस आपका पुत्र अपनी पत्नी का अमानत है, किसी के पुत्री का अमानत है, और ये शरीर आत्मा का अमानत, मृत्यु की अमानत है, और आत्मा परमात्मा की अमानत है। तो इस प्रकार बताया गया है। उसके बाद फिर जब तो अर्जुन जब जाते हैं वन में तो वो देखते हैं कि एक पक्षी है, और उसके जो पक्षी है उसके पंख में वेद की ऋचाएं लिखी हुई है किंतु वो मांस खा रहा है। तो यह देखकर भगवान को बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कलयुग में ऐसे भी बहुत महान महान साधु होंगे किंतु वो मांस का भक्षण करेंगे, और ऐसे ही लोग होंगे जो उनके पास संपत्ति है, बहुत अमीर है, धन है, फिर भी वो दूसरे की पोस्ट के लिए पीछे पड़े रहेंगे और दूसरे की संपत्ति को हड़पने का प्रयास। और नकुल जब वन में गए तो नकुल ने देखा कि एक महान पर्वत ऊपर से गिर रहा था और वो अनेक सारे मजबूत पेड़ों को नष्ट कर दिया, और लास्ट में आके एक छोटे से पेड़ के ऊपर वो टिक गया। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं कि कलयुग में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत ही कामयाब व्यक्ति होंगे, किंतु उनका कामयाब कभी सफल नहीं हो पाएगा। केवल सफल होगा वही व्यक्ति जो हरि नाम का सहारा लेगा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, केवल वही ही भगवान के नाम के द्वारा ही सफल हो सकेगा। फिर आगे जाकर सहदेव मिलते हैं और सहदेव से भगवान पूछते हैं। तो सहदेव बताते हैं कि उन्होंने अनेक वन जंगलों में घुमा और वहाँ एक कुआं देखा, कुआं और बहुत सारे कुआं थे, उसमें से एक कुआं इतना गहरा था, सबसे गहरा था, और वह खाली था। तो हम देखते हैं कि तो कृष्ण उसके बारे में बताते हैं कि इस संसार में लोग शादी विवाह में पैसे खर्च करेंगे किंतु किसी गरीब को देखेंगे तो वहाँ से मुंह घुमा लेंगे, और मंदिर में कभी दान नहीं देंगे, और मांस भक्षण, स्त्री शोषण, ये सब नशा उशा करने में वो अपना सारा धन खर्च करेंगे। किंतु जो लोग इन चीज़ों से दूर रहेंगे उनको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और वो भक्ति करेंगे और भगवान से कनेक्ट होंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते वह अपने जीवन को सफल कर कर भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो भगवान इस प्रकार बताते हैं कि किस प्र इस विधि के अनुसार कलयुग में 5 ही प्रमुख दोष होंगे जिससे मनुष्य को बचना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण।